अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज लेक्चर नाइन के साथ uh, हम डिस्कस करेंगे स्प्लैश स्क्रीन को के एंड्राइड के अंदर स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है और uh, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और uh, इसके uh, इसको यूज़ कैसे करते हैं सो वी विल डिस्कस अबाउट स्प्लैश स्क्रीन वी विल डिफ़ाइन इट एंड हाउ वी यूज़ इट एंड व्हाट्स टाइप ऑफ बेनिफिट वी कैन टेक फ्रॉम स्प्लैश स्क्रीन सो so, uh, सबसे पहले uh, ये बताना ज़रूरी है कि फ्लैश स्क्रीन होती क्या है तो उसका uh, एक सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर उसको रिस्पॉन्स करना हो तो एक वो स्क्रीन या वो इंटरफेस जो एक एक लम्हे के लिए अपीयर होता है uh, उस एक्टिविटी से पहले जिस एक्टिविटी पे आपने मेन वर्क शो करवाना होता है या मेन इंटरफेस का वर्क होता है फॉर uh, एग्जांपल आप कोई भी ऐप खोलते हैं तो उस ऐप का अपना एक लोगो आता है और उसके ऊपर एक स्पेनिंग बार सा एक स्क्रोल सा शो होता है जो कंसिस्टेंटली स्क्रोल कर रहा होता है तो उस टाइम के दरमियान में वो ऐप अपने आप को रेडी भी करना एक किस्म का करती है अगर एक बड़ी ऐप है तो रेडी भी उस दरमियान में करती है दूसरा ये किस्म की ये आ, किसी भी ऐप की जो लोगो और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट टाइप है कि वो शो होना कि हाँ इस तरह की काम के लिए ऐप बनाई गई है तो उस लम्हे में उसको हम टारगेट करते हैं और या उसके लोगों को टारगेट करते हैं इस स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू और उसको हम आर्जी तौर पर दिखाते हैं वो स्क्रीन जब जैसे ही कुछ लम्हे के लिए आप जितना टाइम लगाते हैं डिले टाइम के इतने टाइम के लिए उसके ऊपर एक सर्कल सा जो मूव में मूव है लोडिंग टाइप का वो मूव होता है और उसको अपना टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट शुड टेक फाइव मिनट फाइव सेकेंड वन सेकेंड वन आवर जो अप टू जो के आप जो आप डिसाइड करें जो डिफाइन करना चाहें जो लिखना चाहें वो आप लगा सकते हैं लेकिन मिनिमम इस पर थ्री थाउजेंड मिली सेकेंड या फाइव थाउजेंड मिली सेकेंड लगाया जाता है इससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता नॉर्मली रूटीन में यही होता है क्योंकि सिंपल एक शो करवाना और उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करना होता है और इसका एडवांटेज मैं बता रहा था कि एक तो ये है कि अगर तो बड़ी एप्स हों तो इसके दौरान में वो अपने आप को पॉपअप में ले आती हैं मेमोरी में, में, में लोड हो जाती हैं और एक उस दौरान वो अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्किंग में ले आती हैं कि अगली एक्टिविटी पे जाए तो फ़ौरन ही एक्टिविटी बजाय इसके कि वो उस वक्त अपने डेटा को फेच कर लियो उस दौरान में वो डेटा अपने पास ले चुकी हो इसका ये भी बेनिफिट है और दूसरा एक किस्म की एडवरटाइजमेंट है अपनी ऐप के लोगों को शो करवाना और एक फोकसिंग के लिए भी है कि आपकी ऐप वर्किंग की तरफ जा रही है तो इस तरफ भी इसकी इंटेंशन हो, होती है या इसकी इसका जो यूज़ है इस तरफ भी होता है तो आ, हम आगे जाने से पहले स्प्लैश स्क्रीन को आ, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर को और देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था वी हैव डिस्कस बैकग्राउंड कलर ऑफ एंड्राइड एप्लीकेशन इन लास्ट लेक्चर और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाई थी वो एग्जांपल इस तरह की थी कि एक स्क्रीन जी जैसे आपको नज़र आ रही है इस तरह की एक स्क्रीन मैंने लास्ट टाइम ये वही स्क्रीन है जो दिखाई थी और इसमें मैंने ये ये चीज़ें दिखाई थी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कलर चेंज होगा इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कलर चेंज होगा So on, uh, uh, मैं इसका मेन पर्पज़ ये था कि आपको दो चीज़ें कवर uh, हों एक तो ये है कि बटन के ऊपर क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं उस uh, लेक्चर में आपने ये कवर किया दूसरा बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करते हैं uh, और अपनी मर्जी का या बाय डिफ़ॉल्ट जो तीन कलर बिल्ट इन उसके अंदर एप के अंदर एंड्राइड स्टूडियो खुद देता है उनमें से अगर कोई यूज़ करना चाहें डिफ़ॉल्ट में तो वो यूज़ कैसे करते हैं या उसके अंदर एडिशन करना चाहें अपनी मर्जी का कोई कस्टमाइज कलर देना चाहें तो वो कैसे एडजस्ट किया जाता है आ, ये मैंने दिखाया था जैसे आप अभी ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसे वर्क किया था और ये सिचुएशन थी लास्ट लेक्चर की और इसके बाद हम आगे चलते हैं और आज के लेक्चर आ, को देखते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और आ, इसको आपने भी क्लास के बाद आपने भी प्रैक्टिस करनी है और किसी भी ऐप से पहले आ, स्टार्ट के ऊपर आपने ये लगा कि चेक करना है या फिर एक डमी एक्टिविटी आप बना लें और पहली एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है उसको एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करें और उस, उस एक्टिविटी से आप फ़ौरन एक्टिविटी टू की तरफ जाएं या मेन एक्टिविटी टू या कोई भी एक्टिविटी आप नेक्स्ट बना लें उस एक्टिविटी की तरफ़ मूव करें और उस दौरान आप देखें कि स्प्लैश स्क्रीन हल्की सी एक टाइम डिले के बाद डिसपियर हो जाती है और वो स्क्रीन बैक में वापस नहीं दोबारा शो नहीं होती ये एक्टिविटी आप अपने अपने पास परफॉर्म करेंगे सो लेट्स हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं और इसकी एक मैं एग्जाम्पल आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ सो लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल टू परफॉर्म आवर स्प्लैश स्क्रीन हाउ इट विल वर्क एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्लैश स्क्रीन इन एन एनड्राइड अपलिकेशन सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट नए स्टूडियो में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन दें मेन एक्टिविटी दें मेन माई एप्लीकेशन दें जो आप देना है सो तो हमने क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी बनानी है तो उसमें हम देंगे यदि कोई भी आप डोमेन का नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं सो तो हम आ, दूसरी जब स्क्रीन पर जाएंगे तो उसको हम स्प्लैश स्क्रीन का नाम देंगे अभी हम वैसी बाई डिफॉल्ट नेम रखते हैं सो आप नेक्स्ट करते जाए ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में जैसे आप करते हैं जैसे ही वो अप्लीकेशन ग्रेडलिंग वगैरह कम्प्लीट हो गई ये हो गई सो हमारे पास मेन और एक्टिविटी मेन एक्जल आ गया से हमारे पास लेआउट है और इसमें ये देखें हेलो आर्ड है सो हेलो अर्ड की जगह पे आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं एज प्रीवियस एग्जांपल जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में तो यहाँ पे वेलकम टू दी एप्लीकेशन ये लिख देता हूँ सो इसमें हमने करना यह है कि हमने एक हैंडलर यूज़ करना है और हैंडलर के थ्रू हम स्प्लैश जो एक्टिविटी है या स्क्रीन है उसको हम कंट्रोल करेंगे जहाँ पे हम बनाते हैं एक, एक एक्टिविटी जो एम हो और उसको हम स्प्लैश स्क्रीन का नाम देते हैं सो ये हमारे पास आ गई स्प्लैश स्क्रीन और स्प्लैश स्क्रीन आप उसको फिनिश करें और इसके बाद यहाँ पे आपके देखें स्प्लैश स्क्रीन की एक्टिविटी आ गई और ये आपका व्यू है इसका सो ये हमारे पास एक लोगो है इसको हम ड्राइबल के अंदर उसके अंदर ड्राइबल के अंदर रख देंगे और ड्राइवल से के अंदर रखने के बाद आप कोई भी लोगो यूज़ करें बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हैं इसको हमने लोगो डॉट पी एन जी के साथ रख लिखा हुआ रख दिया इसको हम यूज़ करेंगे जैसे ही हम बैकग्राउंड इमेज के अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ जाएगा सो so, यहाँ पे हम इसको इमेज को कॉल करते हैं और, और बैकग्राउंड के टैग के साथ हम उसको ड्राइबल से एक्सेस करेंगे हमारे पास लोगो डॉट पी के साथ है तो यहाँ पे हम ड्राइबल के अंदर से लोगो डॉट पी है सो तो हम उसको एक्सेस करेंगे और लोगो के साथ है लोगो के वर्ड के साथ तो हम लोगो का वर्ड लिखते हैं तो एक्सेस हो गया ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गया तो हम ये जो अपन आपके ऊपर स्टाइल के अंदर आपके पास एक एक्शन बार है इसको हम ख़त्म करते हैं वो एक्शन बार कर देते हैं और एक्शन बार हमारा ख़त्म होगा एक सिंपल एक्टिविटी की तरह शो होगा मतलब एक्शन बार खत्म हो जाएगा उसका ऊपर से सो ये ऊपर से ख़त्म हो गया सो नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे कि इसके ऊपर एक स्पाइनर प्रोग्रेस बार या स्पेनर या कुछ भी इस तरह लगाते हैं सो हम एक नॉर्मल प्रोग्रेस बार लगा देते हैं अभी नज़र नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही ऐप रन करेगी तो तब ये नज़र आएगा कलर इसके साथ है अभी शो नहीं कर रहा तो जैसे ही ऐप रन होगी तो इसके अंदर ये शो होगा सो तो हम इन एक्टिविटी में वर्क करते हैं यहाँ पर हम हैंडलर के थ्रू एक्टिविटी और रनेबल के थ्रू हम इसको रन करेंगे और इसमें हम टाइम लगाएंगे सो so, हैंडलर और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कुछ ये देखें सम टाइम यहाँ पे जैसे हैंडलर आ रहा है आ रहा है तो आपने परेशान होना कैरर आ रहा है तो आपने इसकी लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी है पैकेजेज इम्पोर्ट करने हैं और जैसे इंपोर्ट होंगे तो वो सेट हो जाएगा सो हैंडलर डॉट पोस्ट ले और रनेबल और यहाँ पे ये यह नीचे आप यहाँ पे अपनी मर्जी का टाइम दे सकते हैं मिली सेकेंड में देना है आपने और आप एक हज़ार मिली सेकेंड में इज इक्वल टू वन सेकेंड सो हम चार हज़ार मीन के चार सेकेंड का डिले होगा जैसे ही ड्रनेबल एप इसके अंदर रन होगी सो हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन के चार सेकेंड बाद खुलेगी तो इस चार चार हज़ार मिली सेकेंड का मतलब चार सेकेंड डिले है जैसी ऐप रन होगी सो so, ये तो था हमारा इस स्प्लैश स्क्रीन के अंदर टाइम सेट सेट करना सो so, हमने इंटेंट को आ, नेक्स्ट एक्टिविटी के लेके जाना है तो so, हम स्टार्ट एक्टिविटी पे जाएंगे और स्प्लैश और यहाँ पे दिस और इसके बाद जो हमारी मेन एक्टिविटी है मेन नहीं मेन एक्टिविटी मेन क्लास नहीं मेन एक्टिविटी और इसके इसको हम एक्सेस करेंगे इन, इसको इंटेंट पास करके स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे और इसके बाद हमारा रिज़ल्ट ओके okay हो जाएगा सो so, ये हमारा रन इसके जरिए वर्क होगा स्टार्ट एक्टिविटी होगी और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे आके हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन आ गई और इसको एक काम फिनिश भी करना था सो so, इसको हम फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद फिर हम इसको ऐप को रन करते हैं सो so, जैसे ही आप ऐप को रन करेंगे तो इट विल शो रिजल्ट्स वी आर थिंकिंग नो अभी वर्क नहीं हुआ सो so, अभी जैसे होगा ऐप को हम देखते हैं लेकिन इसकी नहीं वर्क नहीं करा आ, हमने फ़ाइल के अंदर कुछ इशू किया है इशू हाँ एक इशू ये किया कि हमने आ, जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है हमने उसको पहले रन करना है और हमारी जो मेन एक्टिविटी जो पहले दूसरी है उसको हमने बाद में रन करना है तो आपने इंटेंट फिल्टर को जहाँ से कट करना है और कट करने के बाद आपने स्प्लैश के अंदर टैग के अंदर आपने ये पेस्ट कर देना है सो अब स्लेश स्क्रीन जो होगी वो आपकी सबसे पहले रन होगी सो हम इसको पास करके दोबारा रन करते हैं और आप देखेंगे ये कि दोबारा रन करने से आई होप इट विल वर्क और हम दोबारा अपनी अप्लीकेशन को चेकते हैं जैसे कम्प्लीट कम्प्लीट होता सो कम्प्लीट हो गया ये देखें आ, अब चार सेकंड डिले के बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई वेलकम टू ऐप सो ये हो गया और इसके बाद मैं एक और भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा और उसका कोड मैंने ऐड कर दी है और वो आपको मैं बना के स्क्रीन बना के दिखा देता हूँ एक नए तरीके से भी आप ऊपर निशलाइज भी कर सकते हैं टाइम को तो ये थी हमारी स्क्रीन इस इस ऐप के लिहाज से जो स्प्लैश स्क्रीन के लिहाज से सो इसके अलावा आप ये आप देख रहे हैं इसको आप ऊपर आप ऐड भी कर सकते हैं आपने जो आप आपको चाहिए जितना टाइम आपने ऊपर निशलाइज़ करवाना है सो तो वो आप टाइम नीशलाइज करवा दें सो तो आप ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये कैसे वर्क करेगी और इसको आपने कैसे ऊपर निश्लाइज करवाना है आप ये देख लें एक, एक मैंने पहले बता दीजिए आप सिर्फ इसको आपने फॉलो करना है और इसी तरीके से आपने कोड करके इसको रन भी करना है सो तो इसी तरह हैंडलर को आप नीशलाइज़ करना है और बस सुन so आपने एसी को फॉलो करते करते इसमें सिर्फ वेलकम स्क्रीन मैंने दिखाई है वेलकम so स्क्रीन आप देख लें